बहुत बुरा भी लग रहा है कि सब कुछ होते हुए और कुछ भी नहीं है, पर कोई बात नहीं, सब हो जाएगा धीरे धीरे। और काफ़ी सारा सामान लेके भी आना है जो हमारे पास नहीं है, अभी गैस चूल्हा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो खाने में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो गाइस जो पोटलियाँ थी वो खुल गई हैं, लगे हुए हैं सब, ये पूरे कपड़े ही ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा जो मेरा सामान है ना वो कपड़े ही हैं, तो वो हम बैगों में रख रहे हैं। और ये सारा रख दिया है हमने बेड में, इसमें मेरे लहंगे वगैरह हैं, सारा सेटअप मम्मी करवा रही हैं कि कह रही हैं इसमें लहंगे हैं, इसमें साड़ी वगैरह सूट वगैरह हैं, इसमें बच्चों के कपड़े हैं, उसमें भी बच्चों के जब छोटे थे ना बच्चे वो वाले कपड़े हैं। पति कोई बात नहीं, मैं पता है इतना सब कुछ हो जाता है कि हम सोच भी नहीं पाते कि इतना हम झेल रहे हैं। मैं भी जब अपनी वो अपनी डार्क स्टोरी है ना मेरी उसमें जाती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं क्यों इतना सहन कर रही थी। कोई नहीं, जो कुछ हुआ और जो हो रहा है ना वो आगे के लिए अच्छा होगा। हेलो फ्रेंड्स, आसबी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। तो आज की स्टूडियो में हम बात करें स्नैपी गर्ल्स के बारे में, और स्टूडियो में खास जानेंगे कि सपना जी ने अपने सब्सक्राइबर्स से क्या बात बोली है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं, अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने सपना जी के लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि सपना जी अपने नए फ्लैट में आकर रह रही हैं, और इस टाइम उनको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं जो कि उनको पहले कभी नहीं हुई थी। उनको हर चीज़ खुद सोचनी है और खुद से करनी है। और वहीं उनकी जो फ्रेंड है शिवी लाइफस्टाइल की, शिवी उनका बहुत साथ दे रही हैं। वो अपने व्लॉग्स में दिखाती हैं कि वो लोग साथ में जा रही हैं शॉपिंग करने, और यहाँ तक कि उनके पास स्टोव भी नहीं था जो कि उन्होंने भी हाल ही में ख़रीदा है। और उसके बाद सपना जी दिखाती हैं कि उनके सारे कपड़े किस तरह से पैक होकर रखे जा रहे हैं, और वो आगे बात करती हैं और कहती हैं कि मैं और अच्छे कंटेंट लाऊंगी और साथ ही साथ मैं आपको अपने फ्लैट का टूर भी दूंगी और आपको प्राइस भी बताऊंगी। और वो साथ में ये भी कहती हैं कि मैं आरू के लिए बहुत अच्छा स्कूल ढूंढ ली हूँ और यहाँ पे अब सब कुछ अच्छा होगा, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे साथ अब कुछ बुरा ना हो। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि मेरी बुराइयाँ कर रहे हैं और मेरे बारे में फेक वीडियोज़ बना रहे हैं। मैं उनको वार्न करना चाहती हूँ कि जो मेरे नाम के फेक चैनल्स हैं मैं उन पर एक्शन भी लूँगी, और जो लोग मेरे खिलाफ़ गलत अफवाहें फैला रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और इसी लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार और अपना ध्यान रखें।